चलिए मैं आज क्वेश्चंस शुरू कर रहा हूँ आपके लिए, और क्वेश्चंस रहेंगे आपके लिए साइकोलॉजी डेवलपमेंट जो आपका चैप्टर है, सेकंड चैप्टर जो है। पहले मैं इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, उसके मैंने कुछ क्वेश्चन पहले से ही डाले हुए हैं। अब ये दूसरा है, अब इसके देख लीजिए आप लोग, दूसरा है इसका। पहला क्वेश्चन देखेंगे, चलिए पहला क्वेश्चन है, श्री कुमार का पहला बच्चा 10 महीने में चलता है, दूसरा 12 महीने का है, वो अभी भी नहीं चल रहा। तो इसमें लेकिन वह दुखी या चिंतित नहीं है, जो श्रीमती कुमार हैं वो दुखी या चिंतित नहीं है, क्यों नहीं है? तो एक बात बताइए, जो बच्चे की चलने की जो उम्र होती है वो 14 महीने होती है सामान्य उम्र, उससे पहले भी चल सकता है, उससे बाद में भी चल सकता है। और अभी वो जो दूसरा बच्चा है वो अभी कितने महीने का हुआ है? 12 महीने का। तो चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये अभी भी जो बच्चा है चलने की सामान्य उम्र में है। तो आंसर क्या होगा? वह जानती है कि चलने के विकास के लिए वह अभी सामान्य समयबद्ध के अंदर है जो बच्चा है, इसलिए घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। बाकी ऑप्शंस को आप पढ़ के देखिएगा जो कि गलत हैं। उसके पति ने कहा कि 14 महीने के थे जब वो चलना शुरू नहीं किया था, तो ऐसी कोई बात नहीं है, वो 14 महीने के थे, उन्होंने शुरू नहीं किया तो ये भी नहीं करेगा। अब ज़्यादा इंतज़ार करने से दूसरे ऑप्शन में दिया है कि पैर मजबूत होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। एक पड़ोसी का लड़का है जो 18 महीने का है, वो अभी भी नहीं चल रहा, तो वो ज़िंदगी भर ना चले तो इससे क्या मतलब है? इससे तो कोई मतलब नहीं है। तो आंसर कौन सा बनेगा जो एग्जैक्ट है? वो आंसर आपका रहेगा डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम्स के अंदर। निम्नलिखित में से किसको मुख्य या अधिकारी ग्रंथि कहते हैं? तो आप जानते हैं जो पीयूष ग्रंथि है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसको मुख्य अधिकारी कहते हैं। अब बात है इसको मुख्य अधिकारी क्यों कहते हैं, एक एक कॉन्सेप्ट आप क्लियर करिए। क्योंकि जो पीयूष ग्रंथि होती है वो सारी ग्रंथियों पर कंट्रोल करती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बाल्यकाल होता है, तो बाल्यकाल का मतलब है, जैसे आप जानते हो मेनली 4 अवस्थाओं में हम पूरे बाल विकास को बांटे हुए हैं। तो पहला शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था और फिर प्रौढ़ावस्था। तो बाल्यकाल आप जानते हैं कि 6 से 12 होता है। देखिए अब आप ये खुद बताइएगा कहाँ होगा, जन्म से तीन साल बिल्कुल गलत है, जन्म से 3 साल नहीं होगा। तीसरे वर्ष से 6 साल नहीं, ये भी नहीं है। आप जानते हो बाल्यकाल जो है, बाल्यावस्था, वो 6 से 12 होती है। चलें अब ये देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सीटेट में आया हुआ, और सीटेट में ध्यान रखिएगा, सीटेट में आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो थ्योरेटिकल आते हैं, पढ़ने में बहुत ज़्यादा समय ये ले लेते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है? परिवेश मतलब जो हमारा पर्यावरण है। तो कौन सा कथन है जो हमारे इसका भूमिका का समर्थन करता है, वो देखिए। पिछले कुछ शताब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है, यानी बुद्धि लब्धांक होता है IQ। तो बिल्कुल सही बात है, पिछली कुछ दशाब्दियों में यानी 10 20 50 साल में लगातार बच्चे के औसत जो बुद्धि लब्धि है वो बढ़ा है। आपने देखा होगा आजकल के बच्चे तो कंप्यूटर पैदा हो रहे हैं, आजकल के बच्चे तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट पैदा हो रहे हैं। तो वो पूरा जो असर पड़ रहा है बच्चे पे, वो वातावरण का पड़ रहा है। तो वातावरण का जब असर पड़ रहा है बच्चे के ऊपर, तो बच्चे भी उसी तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, बुद्धि लब्धि उनका बढ़ रहा है, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखो, एक जुड़वा बच्चे हैं, उनका लालन पालन अलग अलग जगह पे हुआ है, तो बुद्धि लब्धि 0.75 होगा, नहीं ऐसा तो नहीं है, परिवेश का असर पड़ेगा ना उसके ऊपर, ठीक है। शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चे अक्सर नैतिक रूप से अच्छे पाए जाते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है जो शारीरिक रूप से उसका विकास हो गया है वो नैतिक रूप से भी अच्छा हो, नैतिक गुणों से भी अच्छा हो, बिल्कुल ये गलत है। कुछ शिक्षार्थी सूचनाओं का जल्दी प्रक्रमण करते हैं, जबकि उसी कक्षा के अन्य विद्यार्थी ऐसा नहीं कर पाते। लेकिन बात क्या कर रहे हैं, देखिए ये क्वेश्चन है तो सही ये ऑप्शन, लेकिन ये इस क्वेश्चन के संदर्भ में गलत है, क्योंकि बात पूछी गई है बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, है तो डी, लेकिन डी इसके अकॉर्डिंग सही नहीं है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक। चलिए परिपक्व विद्यार्थी यानी मैच्योर जो स्टूडेंट होते हैं, तो मैच्योर स्टूडेंट ध्यान रखेंगे, मैच्योर स्टूडेंट हमेशा अपनी पढ़ाई में भावनाओं की सहायता लेते हैं, फीलिंग्स की सहायता लेते हैं,
ऑप्शन बनेगा अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं, तो ऑप्शन बन गया कौन सा सही, सी ऑप्शन। बाकी ऑप्शन आप पढ़िएगा, कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछिएगा, कोई डाउट है तो उसको पूछ लीजिएगा। इसकी मदद से आपको क्वेश्चंस करने के लिए मिल रहे हैं, तो क्वेश्चंस आप बिल्कुल लगाते रहिए, अभी आप सब लोग फ्री हैं तो क्वेश्चंस को करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। संवेगात्मक, ठीक है, संवेगों की बात कर रहे हैं, तो बच्चा का जो संवेग होते हैं, आपने सुना वो संवेग की बात करी है, मैकडूगल ने 14 तरह के संवेग यानी इमोशंस बताए हैं। तो इमोशंस बच्चे के जब भी बहुत ज़्यादा डेवलप होते हैं, जब आप उनको फ्री रखते हैं, स्वतंत्र रखते हैं, तभी वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कर पाते हैं, सीखते हैं। तो अब देखिए, तो ऑप्शन बनेगा कच्चा कच्छ का प्रजातांत्रिक परिवेश। प्रजातांत्रिक परिवेश का मतलब होता है कि बच्चे को छूट दी जाए, जो करना चाहता है, जो क्या करना चाहता है वो सब कर सके। नियंत्रित परिवेश नहीं होगा, क्योंकि नियंत्रित परिवेश मतलब उस पर कंट्रोल रखेंगे तो बच्चा अपना खुल के व्यवहार नहीं कर पाएगा। अधिकारवादी तो बिल्कुल ही गलत है, टीचर की ही चलेगी और किसी की चलेगी नहीं, और अध्यापक में कोई भी सहभागिता नहीं है। क्यों नहीं है, अध्यापक की सहभागिता है, क्लास में तो अध्यापक ही पढ़ाता है ना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है। तो विकास और अधिगम, देखिए जब आप अधिगम करेंगे यानी कि जब आप सीख लेंगे चीज़ों को, तब आपका डेवलपमेंट होगा। इसलिए दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज़्यादा इंटर रिलेटेड हैं, तो अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, कोई आगे पीछे नहीं चलता है। आगे मतलब पहले आप अधिगम करेंगे, चीज़ों को सीख लेंगे, और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आप विकास करेंगे। चरित्र का विकास होता है, चरित्र यानी करैक्टर, करैक्टर इच्छा शक्ति से द्वारा, खुद चाहोगे तभी करैक्टर डेवलप होगा। बर्ताव और व्यवहार द्वारा, बिल्कुल सही, नैतिकता के द्वारा, बिल्कुल सही, यानी चारों ऑप्शन आपके क्या हैं, सही हैं। एक प्रसामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। तो 12 वर्ष का जो बच्चा होता है वो किशोरावस्था में प्रवेश कर चुका होता है, तो उसमें होना क्या, किस चीज़ में कठिनाई है। देखिए अब ये जो ऑप्शन दिए हैं, ये सारे ही ऑप्शन सही हैं, लेकिन पूछा गया है सबसे अधिक कठिनाई, तो उसे समन्वय कोऑर्डिनेट करने में भी होती है कठिनाई, उसे दुश्चिंता उसमें भी होती है, दुश्चिंता में भी होती है, बेस को खुश करने में भी होती है, रुचियों को सीमित करने में भी होती है, लेकिन सबसे अधिक जो उसको दुविधा होती है, जो ऑप्शन है, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी, यानी जो भी समकक्षी होते हैं क्लास में पढ़ने वाले, उनके साथ के जो बच्चे होते हैं, उनके साथ वो दोस्ती करना चाहता है, उनके साथ रहना चाहता है, तो इसलिए आंसर कौन सा बनेगा, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। ऑप्शन सारे सही हैं फिर बोल रहा हूं, लेकिन बिल्कुल सबसे अधिक तो ये आंसर होगा डी। अल्प वयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए, तो अभिभावकों की जो भूमिका होनी चाहिए वो अग्र सक्रिय होनी चाहिए, सक्रिय होनी चाहिए एकदम से, यानी खुद से आगे आए माँ बाप और उनको डील करें बच्चों को। ठीक है, तो आंसर है बी। विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव, तनाव और तूफान की अवस्था कहा है, ये तो रट लीजिए आप, ये तो इम्पोर्टेंट है, आता रहता है। तो किशोरावस्था को अत्यधिक तनाव, दबाव, तूफान, संघर्ष की अवस्था कहा गया है, ये किशोरावस्था है। और ये बात किसने बोली थी, स्टेनले हॉल नाम के साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने बोली थी। विकास का वही संबंध परिपक्वता से है। देखिए जैसे जैसे आप विकास करेंगे आपके अंदर मैच्योरिटी, परिपक्वता आएगी, बिल्कुल सही बात है। जो उद्दीपन का, और उद्दीपन आप जानते हो स्टिमुलस, तो स्टिमुलस जो है रिलेटेड होता है, स्टिमुलस जैसे आपने चीज़ देखा, आपका सीटेट का एग्ज़ाम है, तो आपने तुरंत उसके प्रति क्या करी, प्रतिक्रिया करी, पढ़ना शुरू कर दिया। तो उद्दीपन का संबंध किससे होता है, प्रतिक्रिया से होता है। आपने पढ़ा होगा स्टिमुलस रेस्पॉन्स, SR, स्टिमुलस आपका सीटेट का पेपर, उसके प्रति जो भी आप क्रिया करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं, वो आपका क्या होता है, रेस्पॉन्स होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं, शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप जो होते हैं वो मूल प्रवृत्तात्मक होते हैं, मूल प्रवृत्ति पे आधारित होते हैं, जैसे जन्म से उसमें आते हैं, जैसे खुश होने पे बच्चा
हंस के दिखाएगा, भूख लगने पर रो के दिखाएगा। तो ये सब मूल प्रवृत्ति होती हैं। छोटे बच्चे बोल नहीं सकते हैं, लेकिन वो अपनी कुछ मूल प्रवृत्ति जो जन्म से आती हैं वो करके अपनी चीज़ों को शो करते हैं। स्वयं केंद्रित अवस्था होती है, स्वयं केंद्रित अवस्था होती है सेल्फ सेंट्रिक, यानी सिर्फ अपने बारे में ही सोचे बच्चा। तो बच्चा जब छोटा होता है तो अपने बारे में सोचता है, लेकिन जन्म से 2 वर्ष में तो बच्चा ज़्यादा सोच ही नहीं पाता। सोचता कब है? 3 से 6 वर्ष तक बच्चा स्वयं केंद्रित होता है। अपना खिलौना वो अपने छोटे भाई को भी नहीं देगा, सिर्फ अपनी खुशी चाहेगा बस। अगर गोद में छोटे बच्चे को उसके भाई को ले लिया माँ बाप ने तो वह रोने लग जाएगा। स्वयं केंद्रित होता है बच्चा, और जन्म से 2 वर्ष में वो सोचता ही नहीं है, इसलिए ऐसा ऑप्शन बनेगा बी। मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है। अब मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत, देखिए यहाँ पे एक वर्ड को ध्यान दीजिए, प्रयत्नरत रहना। तो किशोरावस्था में आप जानते हो बहुत सारे चेंजेस बच्चे में होते हैं, जैसे बोला भी गया संघर्ष तनाव तूफान की अवस्था है। तो बहुत सारे चेंजेस बच्चे में होते हैं, है ना, साइकोलॉजिकली। तो यहाँ प्रयत्नरत रहता है ऊंचाइयों को छूने के लिए किशोरावस्था में। लेकिन अगर पूछा जाता है यही क्वेश्चन कि किस अवस्था में बच्चा पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है, तब आपका आंसर होता प्रौढ़ावस्था। अभी आपका आंसर क्या बनेगा? किशोरावस्था। पूर्वाग्रही किशोर या किशोरी अपनी डेस्क के प्रति कठोर होंगे। पूर्वाग्रही का मतलब होता है प्रेजुडाइस। प्रेजुडाइस का मतलब है पहले से किसी चीज़ के बारे में धारणा बना लेना, ठीक है, समझिए। क्वेश्चन को नहीं समझ पाओगे तो आंसर नहीं कर पाओगे। तो पहले से किसी चीज़ के बारे में धारणा बना ली, तो अब उसके सामने कोई समस्या आती है तो उसको वो जो उसकी सोच है पहले से, जो उसने बनाई हुई है सोच, उसी के अकॉर्डिंग वो उसको डील करेगा। तो जो बच्चा होता है पूर्वाग्रही किशोर या किशोरी अपनी डेस्क के प्रति कठोर होंगे, तो वो अपनी समस्या के प्रति कठोर होंगे क्योंकि उन्होंने धारणा कुछ और ही बना रखी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए तो आज के लिए इतने ही सारे क्वेश्चंस को मैं रखता हूँ, उसके बाद मैं अगले क्वेश्चंस बनाता हूँ आपके लिए, प्रोवाइड करवाता हूँ, ठीक है। चलिए ध्यान रखिएगा। तो ये आपका डेवलपमेंट नाम के क्वेश्चंस थे, डेवलपमेंट से क्वेश्चन मैंने दिए थे। अब मैं आपके लिए दूसरी वीडियो लेकर आऊँगा इसी के क्वेश्चंस की, डेवलपमेंट के। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तब तक आप बने रहिए, देखते रहिए और अपनी तैयारी कर